स्वयं सेविकाओं ने अपनी मानदेय राशि की मांग को लेकर आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है महिलाएं ने अपनी समस्याओं को सामने रखते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला दुर्ग में कार्यरत महिला स्वयं सेविकाओं ने दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को ज्ञापन सौंपा और लंबित मानदेय राशि प्रदान करने की मांग की। महिला स्वयं सेविकाओं ने बताया कि उन्हें मार्च 2021 से सितंबर 2021 तक का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके चलते उन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला स्वयं सेविकाओं ने मानदेय की राशि जल्द से जल्द प्रदान करने की मांग की। VLC स्पेस न्यूज से दुर्ग से विजयलक्ष्मी चौहान की रिपोर्ट। मांग यही है कि हमारा वेतन मान समय पे दिया नहीं जा रहा है। लगभग 10-11 महीने से रोके रखा गया है हमारा वेतन। और जो स्वयं सेविका महिलाएं जो होती हैं, बहुत सारे हमारे कार्यभार हैं जो हर क्षेत्र में अपना कार्य कर रही हैं। कोविड का टीकाकरण हुआ, उसमें भी हम लोग सर्वे भी किए हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित किए हैं कि आप टीका लगवाओ। और अभी भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो महाअभियान चल रहा है उसमें भी घर से लोगों को जाकर निकाल रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं टीकाकरण के लिए। आंगनबाड़ी से कार्य होता है, वहाँ भी बच्चों के टीकाकरण में भी हमारी सहभागिता रहती है, पोषण आहार में भी हमारी सहभागिता रहती है, चुनाव होता है उसमें भी हम ड्यूटी देते हैं। हर जगह अगर गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ कोई हुड़दंग ना हो, किसी भी प्रकार का हो हल्ला ना हो, इसके लिए हम लोग रात भर जागरण करके वहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं। मतलब हर क्षेत्र में हम लोग अपना जो चाहते हैं, हमारा जो वेतन मान है उसे समय पर दिया जाए, और जो हमारा कार्य क्षेत्र है बढ़ा हुआ है इसके आधार पे ये 1000 रुपये क्या होता है आज के समय में, तो हमारे वेतन में भी वृद्धि किया जाए। और दूसरी चीज़, हमारी आज के समय में दूसरी जगह हमें कहीं भर्तियों में शामिल नहीं किया जा रहा है कि आप लोगों को सरकारी पेमेंट मिलता है। तो अगर हम सरकारी हमें पेमेंट मिल रहा है तो प्राथमिकता हमारी बनाइए, हमें समय पर पेमेंट दीजिए, या तो हमें बर्खास्त कर दीजिए कि हमारा मतलब कहीं पे ये ना रहे कि ये लोग स्वयं सेविका है, हमारा सीधे हमें पद से बर्खास्त कर दीजिए। जो मानदेय मिलता है उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं, मतलब सुबह से 11 बजे से आए हैं। कलेक्टर साहिब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, जो भी हमको मिला है आश्वासन उस पर बखूबी हम लोग अभी एक हफ्ता निभाएंगे। फिर मैडम से भी यही आशा करते हैं कि वो भी हमारी जो है समस्या उसको सुलझाएंगे। हमको जैसे थाना में जाते तो हमको विभाग में बोल दिया जाता है कि आप बाल विकास से हो, बाल विकास में जाते हैं तो हमको विभाग का बताते नहीं है कि कौन सा विभाग है। एक और दूसरी जो हमारी मानदेय है वो कम से कम हमको दी जाए, बस इतनी है और कुछ नहीं है। इससे पहले मिलता है, और इससे पहले हम लोग 3-4 बार और दे दिए हैं आवेदन, उसके बाद हमको कुछ नहीं, मतलब हमारे ना विभाग से हमको कुछ जानकारी देती है ना कुछ।